हेलो हाय, तो कैसे हैं आप सब? और आज बहुत दिनों बाद निकले हैं हम बाहर और आज हम जा रहे हैं बोटिंग करने। अभी हमें श्योर नहीं है कि उन्होंने वो जो बोटिंग सिस्टम है वो स्टार्ट किया नहीं किया, क्योंकि कोविड की वजह से सब कुछ बंद था। लेकिन लास्ट टाइम जब हम उधर की साइड गए थे, हार्बर साइड, तो हमने कुछ बोट देखी थी जो ऑपरेट हो रही थी। तो लेट्स सी, अगर हमारी किस्मत सही रही तो हमें भी आज बोटिंग करने को मिल जाएगा। तो चलिए सीधा मिलते हैं पोर्च पे। और मेरे साथ जा रहे हैं ये दो नमूने। Say hi. She's so happy. So, अभी हम वेट कर रहे हैं अपनी लाल परी का, अपनी बस का। तो जैसी वो आती है फिर चलते हैं। और अभी शेड्यूल के हिसाब से आई थिंक 2 मिनट्स लेट हो गई है बस। तो लेट्स सी। सो हमारी लाल परी आ चुकी है और हम बैठ चुके हैं अपनी लाल परी में। तो अब सीधा मिलते हैं हम पोर्ट पे जाके। ओके, बाय बाय अश्वी। हाय। सो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं हार्बर साइड और अब जाके पता करते हैं कि जिस काम के लिए आए हैं वो काम हो भी रहा है या नहीं। सो चलें। यहाँ पे हो गया है ये सीन कि जो बुकिंग है वो यहाँ से नहीं हो रही है। तो अब हम इनके ऑफिस जा रहे हैं जो कि यहाँ से 15 मिनट के डिस्टेंस पे है। तो हमें वॉकिंग करके जाना पड़ेगा। अब 15 मिनट हम पैदल चल के वहाँ चले तो जाएं, बट द पॉइंट इज़ कि 3 बजे है बोट की टाइमिंग। और अगर हम टाइम पे नहीं पहुँचे, पहली बात, दूसरी बात कि अगर उन्होंने मतलब बुकिंग लेने से मना कर दिया, आई मीन ऑन द स्पॉट बुकिंग नहीं करी, तो हमारी तो टाइट टाइट फिश होने वाली है। तो लेट्स सी क्या होता है, चलते हैं देखते हैं। और आश्वी का तो आइसक्रीम देख के मूड ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो लो पाती नहीं है मुझे आइसक्रीम खानी है, लेकिन मुंह बना देती है। आश्वी, ये तेरी स्ट्रैटेजी होती है ना कि तू मुंह बना दे कि मैं उदास हूँ, फिर तुझे हम आइसक्रीम वो पूछें कि आइसक्रीम खाएगी, है ना? है ना? जा तो रहे हैं। और हमारी मंजिल सामने की तरफ है। वो सामने जो दिख रहे हैं फ्लैग्स, आई थिंक वही पोर्ट है। और अभी हमने एक बोट वहाँ से गुजरती हुई भी देखी। सो लेट्स सी क्या होता है वहाँ जाके। वो आ गया फाइनली जहाँ से हमें बोट लेनी है। आई थिंक द ऑफिस इज़ दैट साइड। सो अभी हो गई है एक कंफ्यूजन और हमें जाना था उस साइड, लेकिन हम इस साइड हैं और अब हमें उधर पार करने के लिए हमें घूम के जाना पड़ेगा, जो कि इनके हिसाब से 25 मिनट का रास्ता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से बोट ले रहे हैं, मिनी बोट, उस पार जाने के लिए। और वहाँ की बोट का भी हमारा टाइम होने वाला है, 3 बजे का टाइम है। सो अब हम इस बोट से उधर जाएंगे और वो है हमारी बोट जिसमें हमें 3 बजे जाना है। सो फाइनली हम अपनी छोटी बोट में बैठ चुके हैं।
सो अब हम पोर्ट के दूसरी साइड आ गए हैं और यहाँ से हम अपनी दूसरी बोट में बैठेंगे। थैंक यू। Alright folks, we're doing roughly 8 at a time. I'm gonna have you, my love, on last. और हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई है। जैसे ट्रेन छूट जाती है ना, वैसे हमारी बोट छूट गई। हम सिर्फ 3 मिनट लेट थे, सिर्फ 3 मिनट की देरी पे इस भैजी ने फटाफट बोट चला दी। आई हेट यू भैजी। अभी हमें उस बोट में होना था पर ये चली गई हमें छोड़कर। और अब जो नेक्स्ट है वो है 4 बजे, यानी 1 घंटे बाद। अब 1 घंटे हमारे पास कुछ काम नहीं है सिवाय जो यहाँ पे बोट्स खड़ी हैं उनको निहारने के अलावा। मतलब सीरियसली सिर्फ 3 मिनट की देरी पर अब हमें 1 घंटा वेट करना पड़ेगा पूरा। चलो तब तक हम यहीं पे पोर्ट साइड में घूमते हैं, यहाँ जो बेचारी बेजान खड़ी हैं शिप्स उनको देखते हैं। गाइज ये 1 BHK खाली है, चाहिए किसी को तो बता देना। सो अभी तक तो हम देख रहे थे क्या कहते हैं उसे, वाटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ये आ गए हैं रेलवे वाले, रेलवे ट्रैक। इतने पुराने पुराने इंजन रखे हैं उन्होंने यहाँ पे, इनकी हालत देख के लग भी नहीं रही कभी चले भी होंगे, बट ये बहुत एंटीक है, पहले ऐसे चलते थे इंजन। अब हम घूम ही रहे हैं कभी इस पोर्ट से उस पोर्ट, इस पोर्ट से उस पोर्ट, क्योंकि हमारी जो बोट है वो आएगी अभी। 3:20 हो रहा है, 4 बजे आएगी। आशवी इधर आओ, पानी के पास मत जाओ एकदम। नहीं ये वाली हमारी शिप नहीं है, नहीं इसमें नहीं है, वो दूसरी है, अभी आएगी वो, 4 o'clock आएगी। सो गाइज फाइनली 1 घंटे के इंतज़ार के बाद हमारी जो बोट है वो आ चुकी है और अभी हो रहे हैं 3:45 और 4 PM पे इसका डिपार्चर है एंड 45 मिनट्स की राइड है। और अब ये मुझे लगता है कि क्यू लगना शुरू हो गया है और ये आ गई है अपने स्पॉट पे। मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये रही, बहुत भाव खाए इसने, सिर्फ 3 मिनट से इसने हमें छोड़ दिया था, इसलिए हम 1 घंटे से इसका इंतज़ार कर रहे हैं और टाइम से 15 मिनट पहले आ गए ताकि अब इसे बहाना ना मिले हमें छोड़ के जाने का। श्री फाइनली हमारी बोट आ गई है, एक्साइटेड हो? भाग गई। सो अभी जो ऑलरेडी इसमें पैसेंजर्स थे वो लोग बाहर आ रहे हैं, इसके बाद हम लोग जाएंगे। सो गाइस फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं बोट पे। और वैसे हमारी प्रेफरेंस तो यही थी कि हमें ओपन बोट मिले, पूरी ओपन हो जो ऊपर से, बट उस बोट को आने में अब भी 1.5 घंटा और है, तो अब इतने ज़्यादा हम वेट नहीं कर सकते, तो अभी हम इसी में जा रहे हैं। तो अब मैं आपको अंदर जा कर दिखाती हूँ कि अंदर से कैसी है। ओके तो नाउ वी आर गोइंग टू बोर्ड द बोट। What's your name again, bud? I'm Jed. Nice to meet you. That's all right, what about you?
गाइस ये है हमारी बोट अंदर से ऐसी काइंड ऑफ अ रेस्टोरेंट एंड ये रहे सेलर साहब एंड वो जो ओपन बोट वाला सपना था वो तो पूरा नहीं हुआ लेकिन इसकी छत भी खुली हुई है चलेगा ये भी। हाय आशवी एंड एलेक्स। सो गाइस ये है बैक पोर्शन एंड ये बाकी बोट्स भी हैं यहाँ पे एंड अभी ज़रा सेलर साहब वेट कर रहे हैं उन लोगों का आने का बट मुझे लगता नहीं और कोई आने वाला है क्योंकि क्यू में ज़्यादा लोग थे ही नहीं हम ही लोग थे। टाइम के पक्के भी तो हैं ये ठीक 4 बजे चलाएंगे एंड थोड़ा थोड़ा आई थिंक स्टार्ट हो भी गया है। सो फाइनली बोट स्टार्ट हो गई है और काफ़ी भर ही गए हैं नाना करते करते भी। कभी सुन लो क्या बोल रहे हैं। The lifeboats, there are 8 in total, 4 up here at the front, 4 at the back, each is capable of supporting 2 people in the water. There are 65 life jackets underneath the green padded seats that are marked with the life jacket symbols. 65 persons self-launching life rafts on the back of the boat and fire extinguishers and a first aid kit. Any questions or problems, please don't hesitate to reach out to us. Interesting that they should call it a replica, given that they don't actually know what the original looks like. The only things they know about the original are its weight and its length, making this ship the later anglicised to John Cabot. He attempted to sail west on a boat that might have looked like that, trying to find a trade route to China. Didn't quite make it that far, instead bumped into a small patch of land we now call Canada, and became one of the first नीचे मत चली जाइयो। सो गाइस ये पूरा भ्रमण करा के ला चुका है हमें 45 मिनट पूरा और अब हम वापस पहुंचने वाले हैं एक किनारे पे जहां से इसने हमें पिक किया था। सो गाइस हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं वापस से और 45 मिनट की जर्नी थी एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब 15 मिनट तो ठीक लगा मुझे उसके बाद मुझे बहुत बोरियत आई मतलब मुझे लगता है कि मैं तो थोड़ा सो भी गई थी सीरियसली। सो जस्ट से बाय टू दिस व्यू और अब हम निकलते हैं बाहर यहाँ से। चलो आशवी। सो फाइनली आउट और आशवी कह रही है मज़ा आ गया मज़ा आया। सो अब हमारा जो बोटिंग एपिसोड था और ये जो भी था हो गया कंप्लीट और आशवी चलो। सो अब हमें जाना है घूम के पूरा बोट साइड से उधर से क्योंकि जो छोटी वाली बोट है जिससे हम इधर आए थे वो अब उसका टाइम ऑफ हो गया है वो नहीं चल रही है और अब हम जा रहे हैं
पेट पूजा करने, और हम वेट कर रहे हैं शेफाली का क्योंकि उसने बोला है कि वो हमें ज्वाइन करेगी डिनर के लिए, और हम जाएंगे अपनी फेवरेट जगह ज़ाज़ा बाज़ार। सो अब हम आ गए हैं अपनी फूड डेस्टिनेशन की तरफ, एंड मोस्टली हम इसके उधर रहते हैं, आज पहली बार हम इसके इस पार हैं, वरना हम हमेशा पुल के उस पार रहते हैं, और इस बार हम यहाँ पे हैं। और ये देखो जिस बोट में हम घूम रहे थे वो अब दूसरे कस्टमर्स को बैठा के घूम रही है। पहुंच चुके हैं अपनी डिनर डेस्टिनेशन पे, और अब मैं व्लॉग को करती हूँ यहीं पे, एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।